कई बार शिकारों को सरकार पैसा नागेश्वर राव जी जी बोले आप। थैंक यू चेयरमैन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन जम्मू कश्मीर रीआर्मेशन एक्ट बिल एंड एज वेल एज रिजर्वेशन बिल। चेयरमैन साहब, ये जो अमेंडमेंट जो लाया है जेएनके का, इसमें मेन अमेंडमेंट्स में एक तो जो है ना दो सीट जो है ना कश्मीर पंडित के लिए, एक सीट जो है ना पीओके के लिए, उसी का साथ साथ तो जो असेंबली का जो सीट्स जो बढ़ा दिया 107 से 114 में, उसका साथ साथ तो एक बात इसमें रखा था 24 सीट्स सेट असाइड एरिया दैट फॉल्स अंडर पीओके, मगर वो 24 सीट्स इसका 114 का अंदर है और 114 प्लस 24 सीट्स है, उसका बारे में थोड़ा ऑनरेबल मिनिस्टर जब बात करने का टाइम में उसको क्लैरिफाई कर दे। एंड उसका साथ तो उसी तरह से ये बिल्कुल तो हम सपोर्ट कर रहा है जो जेएनके का जो रिजर्वेशन एससी एसटी रिजर्वेशन का जो बिल एंड रीआर्मेशन का जो अमेंडमेंट्स को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसका साथ साथ तो जब ये बिल जो है ना जो हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में जो पास हुआ था, उस टाइम में ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दो बात बताई था। एक बात जो है ना ये बताया था जल्दी से जल्दी ये तो जो है ना जेएनके में असेंबली कॉन्स्टिट्यूट होगा, असेंबली के इलेक्शन आएगा, मगर अभी बहुत डिले कर दिया है, कम से कम इसका बाद जो है ना तुरंत उसका इलेक्शन करे। और उसका साथ और एक भी बात ये बता दिया था, ये जो हम लोग जो 370 को रद्द करके जो बिल्कुल लेके आया है जेएनके को काफी कुछ डेवलपमेंट करने के लिए, एंड इन बिटवीन हम भी जेएनके में दो तीन कमिटी का मीटिंग्स में गया था, वहां एलजी मनोज सिन्हा साहब ने सब कुछ उसका डेवलपमेंट दिखाया। ये भी पार्ट ऑफ जेएनके ने पार्ट ऑफ इंडिया है, उसके लिए उसका डेवलपमेंट भी हम लोग चाहता है। उसका साथ साथ हॉनरेबल चेयरमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इसी हाउस में एपी रीआर्मेशन एक्ट का भी 2014 में बिल पास हुआ था, उसका अंदर जो है अभी तक जो है ना 10 साल हो रहा है वो एक्ट का अनुसार जिस तरह से तेलंगाना में जो सीट्स इंक्रीज करने का था 119 से लेकर 153, उसी तरह से आंध्रा में असेंबली सीट्स 175 से वो 225 जो इंक्रीज करने का था वो नहीं किया था, कम से कम हम लोग सोचा था तेलंगाना और आंध्रा का जो रीआर्मेशन एक्ट का वो भी थोड़ा इंप्लीमेंट करे। उसका साथ जो अभी जो रिजर्वेशन का जो बात आया एससी एसटी रिजर्वेशन का अमेंडमेंट का, उसको पूरा हम लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं, और तेलंगाना में भी इसी तरीके से तेलंगाना में भी एससी एसटी का रिजर्वेशन के लिए हम लोग डिमांड किया था। मेनली हम लोग का तेलंगाना बैकवर्ड क्लासेस का, शेड्यूल कैस्ट का, शेड्यूल ट्राइब का सीट्स ऑफ एजुकेशन के इंस्टीट्यूट के उसका बिल पास करके 2017 में इधर भेजा था, उसका टाइम में हम लोग भी बहुत दफा ये जो हाउस में हम लोग काफी कुछ बात किया, अभी तक वो बिल ऐसा पेंडिंग है, और वो एससी एसटी का जो एजुकेशन रिजर्वेशन का जो तेलंगाना का है वो थोड़ा तुरंत उसको लेके है। उसका साथ साथ रिसेंटली हॉनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने तेलंगाना आया था, तेलंगाना आने के टाइम में एससी कैटेगरी के लिए वो प्रॉमिस करके आया है, उधर जो है ना हम लोग एक कमिटी डाल रहा है तुरंत जो है ना उसका बारे में देखेगा बोल के। वो एससी कैटेगरी के लिए हमारा तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली 2014 में 29 नवंबर 2014 में एससी रिजर्वेशन के लिए कैटेगरी के लिए शेड्यूल कैस्ट का हम लोग रिजोल्यूशन जो है ना पास करके उस टाइम में असेंबली से भेजा है, 2014 से अभी तक पेंडिंग है, उसका बारे में भी थोड़ा इमीडिएटली देखने के लिए। और उसी का साथ साथ जो है ना कल से बात कर रहा था ये एससी एसटी और जो है ना जो भी माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन है पूरा कंट्री में हर एक स्टेट में डिफरेंट कैटेगरी के लिए जो रिकमेंडेशन आया पूरा एंटायर कंट्री का बारे में देखना चाहिए। कंट्री में जो है ना जो भी जनगणना करके जनगणना का साथ साथ जो है ना इस तरह से जो है ना एससी एसटी उसका रिजर्वेशन क्या करना चाहिए। हम लोग भी बहुत दिन से जो है ना डिमांड था वडेरा के लिए, वडेरा को एसटी में नहीं तो एससी में जो है ना डालने के लिए, और अदर स्टेट्स में अगर कर्नाटका हो गया अदर स्टेट्स में वडेरा को जो हम लोग जो है एससी एसटी में डाला है डिफरेंट स्टेट्स में, मगर हमारा तेलंगाना में नहीं है।
उसी तरह से हम ये मांग, ये तो हम ये बिल्स को सपोर्ट करते हुए हम तो यही बोलना चाहता है, जरूर जो है ना एंटायर कंट्री का जनगणना करके, जनगणना का साथ साथ जो है ना सब जो है ना लोगों के लिए अपना अपना रिजर्वेशन करने के लिए आपका माध्यम से जो है गवर्नमेंट को भी हम डिमांड कर रहे हैं, ये जे एंड के का बिल्स को हम लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू श्री निशिकांत।